परमपिता ब्रह्मा, कृपया ये बताएं निकट भविष्य में किसका विवाह होगा, कौन वर होगा, कौन वधू? पुत्र नारद, जो हो रहा है उसे देखो और आनंदित रहो। तुम भविष्य की चिंता में उलझकर इस सत्य और सुंदर वर्तमान के सुखद क्षणों को मत गवाओ। किंतु पिताश्री। पुत्र, भावी घटना के विषय में किसी को बताना विधि के विधान के विरुद्ध है। उचित है पिताश्री। नारद, कदाचित आपको यह ज्ञात नहीं कि किसी के विवाह पर किसी अन्य विवाह की चर्चा करना नीति के विरुद्ध है। श्री हरि, इस अज्ञानी को क्षमा करें। नारायण नारायण। पुत्र नारद, बारात से पहले हमारा दक्ष महल पहुंचना आवश्यक है। जामाता के नाते आज हमें शिव शंकर का स्वागत करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त हो। जो आपकी आज्ञा पिताश्री। शुभ घड़ी बीती जा रही है, आइए प्रस्थान करें। जय शिव शंभु। अंतरिक्ष में व्याप्त दिव्य तरंगों की भांति सर्वथा निर्विकार हूं। दिव्य तरंगों के स्पर्श मात्र से मैं ब्रह्मांड की गतिविधियों का ज्ञान रखने में समर्थ हूं। माता वीरणी का स्नेह पक्ष, सहेलियों का समर्थन तथा शिव शंकर की स्वीकृति के पश्चात भी दक्ष ने अपना हठ नहीं त्यागा तो स्वयं ब्रह्मा को दक्ष प्रजापति के सम्मुख आना पड़ा। शिव का आश्वासन पाकर सती आश्वस्त थी, किंतु दक्ष की अनुमति के लिए ब्रह्मा जी को प्रयत्न करना पड़ा और वे इस प्रयास में सफल हुए। नारद भी ब्रह्मा के मुख से यह मंगलमय संदेश सुनकर हर्षित हुए। रोहिणी ने जब यह हर्षपूर्ण सूचना सती को सुनाई तो मारे हर्ष की उसकी आंखें भर आई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के आदेशानुसार नारद सती शिव विवाह के लिए निमंत्रण देने सर्वप्रथम भगवान विष्णु के पास गए। दक्ष महल और कैलाश में विवाह की औपचारिकताएं आरंभ हुई। देवी देवता, अप्सराएं, सखियां, सभी इस मंगलमय अवसर पर तन और मन से नृत्य करने लगे। उधर दक्ष महल में माता वीरणी वधू बनी सती की शोभा का बखान करती है और प्रजापति दक्ष के क्रोध को शांत करती है। चारों ओर दिव्य संगीत के स्वर मुखरित हो गए। इस शुभ बेला में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के त्रिवेणी स्थल सदा शिव भी मुस्कुरा उठे। त्रिपुरारी, वर वेश में तो आप इतने मोहक लग रहे हैं कि भ्राता दक्ष की अन्य कन्याओं को देवी सती के भाग्य से ईर्ष्या होने लगेगी। दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते
आपको उनके अन्य कन्याओं की चिंता भी अधिक रहती है। नारायण नारायण, वो क्या है प्रभु, मैं और परमपिता ब्रह्मा वर और वधु दोनों ही पक्षों से संबंधित हैं, इसीलिए एक पांव यहाँ और एक पांव वहाँ। श्रीहरि, यदि कुपित न हो तो एक प्रश्न पूछूं। नारद, भक्तों से कुपित होने का तात्पर्य यह है हमसे हमारे भक्त वत्सल संबोधन का छिन जाना। कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, आज महेश्वर भी अपना योगी रूप त्याग कर सांसारिक बनने की दिशा में उन्मुख हैं। श्री हरि, आपको सांसारिक रूप में देखने के लिए देवी महालक्ष्मी को और कितनी प्रतीक्षा करनी होगी? नारद, हर घटना का पता हमसे अधिक ब्रह्मा जी को रहता है, आप इन्हीं से पूछिए। अवश्य प्रभु, अवश्य। परमपिता ब्रह्मा, कृपया ये बताएं, निकट भविष्य में किसका विवाह होगा, कौन वर होगा, कौन वधु? पुत्र नारद, जो हो रहा है उसे देखो और आनंदित रहो। तुम भविष्य की चिंता में उलझकर इस सत्य और सुंदर वर्तमान के सुखद क्षणों को मत गवाओ। किंतु पिताश्री। पुत्र, भावी घटना के विषय में किसी को बताना विधि के विधान के विरुद्ध है। उचित है पिताश्री। नारद, कदाचित आपको यह ज्ञात नहीं कि किसी के विवाह पर किसी अन्य विवाह की चर्चा करना नीति के विरुद्ध है। श्री हरि, इस अज्ञानी को क्षमा करें। नारायण नारायण। पुत्र नारद, बारात से पहले हमारा दक्ष महल पहुंचना आवश्यक है। जामाता के नाते आज हमें शिव शंकर का स्वागत करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त हो। जो आपकी आज्ञा पिताश्री। शुभ घड़ी बीती जा रही है, आइए प्रस्थान करें। जय शिव शंभू। बधाई हो महाराज दक्ष प्रजापति, पुत्री सती के वधु बनने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज राजा दक्ष का वो स्वप्न पूरा हुआ है जो किसी कन्या के जन्म के साथ माता पिता के नायनों में जन्म लेता है। महाराज ने अपनी कन्या के लिए वर चुना भी तो कैसा, जिसका तीनों लोकों में कोई पर्याय नहीं। अति सुंदर, मनहर, निर्मल, निश्चल, भोले शंकर। सती के पति के रूप में उन्हें पाकर आपका जीवन यथार्थ में पावन हो गया राजन। आपके मन की गति इस समय स्थिर ही नहीं होगी। हाँ, हमारे मन की गति इस समय स्थिर नहीं है श्रीमान। किसी को कुछ भी उसकी अपेक्षा के विपरीत यदि मिल जाए तो उसके मन की गति स्थिर रह भी नहीं सकती। पुत्री को योग्य वर मिल जाए, उसका जीवन मन भावन पति के संग हर्षोल्लास से व्यतीत हो, हर माता पिता की यही कामना होती है राजन। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। प्रणाम भ्राता दक्ष। प्रणाम। नारद जी, हम तो समझे थे कि आप वर की ओर से विवाह में सम्मिलित होंगे। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, मैं पिता की आज्ञाकारी संतान हूँ। जब पिताश्री शिवजी के साथी होने के नाते वर यात्रा की निकासी में गए तो मैं इनके पीछे पीछे चला गया, और अब आपके पिताश्री होने के नाते बारात के स्वागत हेतु जब यहाँ पधारे तो मैं इनके साथ यहाँ चला आया। परंतु जिस समय बारात यहाँ होगी उस समय किस और रहोगे नारद जी? नारायण नारायण।
पिताश्री पिताश्री बारात आ गई है। पधारिए पधारिए भ्राताश्री पधारिए। क्या ये वही शिव है जो भभूत रमाए नंग धड़ंग पैगंबर पर बैठा कैलाश पर योग साधता रहता है? अरे तो किसी राजकुमार जैसा प्रतीत हो रहा है। ये सब कैसे हो गया? अगर शिव और राजकुमार। नारायण नारायण, भ्राताश्री किस सोच में पड़ गए? अभी तो आपने प्रभु का वो रूप देखा ही नहीं जिसके दर्शन पाकर आप धन्य हो जाओगे। नारायण नारायण। पंचमुखी शंकर, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? भ्राता दक्ष, आपका मुख श्वेत कणों से भर उठा है, आप भयभीत से लग रहे हैं। नारद, अति सुंदर है? आप कुछ कहना चाहते हैं? वो नारायण नारायण। नारद हो? नारायण नारायण। शिव लीला के चमत्कारों से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं भ्राता दक्ष। आपके जमाता शिव ही नहीं सत्य और सुंदर भी है, और इसी सगुण रूप में वो दर्शन देते रहेंगे। सती सती सती, बारात आ गई है। हाँ, बारात आ गई है। मैं अभी अभी शिव शंकर भोलेनाथ को वर के रूप में देखकर आ रही हूँ। सती, तू जब शिव शंकर का बखान करती थी तो हमें विश्वास ही नहीं होता था, परंतु आज देखा तो लगा तो कितनी सौभाग्यशालिनी है। अच्छा, पर ये तो बता, वर राजा हैं कैसे? उनके रूप स्वरूप का वर्णन शब्दों में करना अत्यंत कठिन है, पर जो देखा सो ये कि जिन्होंने हमारी भुवन मोहिनी सती का चित चुराया है वो कर्पूर गौर वर्णीय है। ऐसे विशाल सरस नेत्रों वाले हैं कि जिसमें संसार भर का प्रेम और करुणा निहित है। उनकी मंद मंद स्मित पल्लवित पुष्पों के समान सुवासित है, और उनका संपूर्ण अस्तित्व हमारी प्रिय सती का वर्णन करने को आतुर है।
दानी। सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आज्ञा पिताश्री। महारानी बेटी सती, अब वो क्षण आ गया है जिस क्षण भाग्यशालिनी सौभाग्यशालिनी बन जाती है। आओ बेटी। शुभ हाथों से यह सौभाग्य सिंदूर सती की मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप भी दे दीजिए। सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय। शिव सती की जय। शिव सती की जय। श्रीहरी, यू टकटकी बांधे क्या देख रहे हो प्रभु? देख रहा हूँ शिव सती की एक रूपता को जो चिरंतन है, शाश्वत है। विदाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं पिताश्री, यदि आप कहें तो। नारायण नारायण। भ्राता दक्ष, आप बधाई के पात्र हैं। आपकी दक्षता में अतिथियों के मान सम्मान की व्यवस्था इतनी सुंदर थी
कि तीन दिन कैसे व्यतीत हो गए, आभास ही नहीं हुआ। धन्यवाद। सचमुच ये तीन दिन तो तीन पलों के समान व्यतीत हुए। दक्ष, जितने मनहर आपके जमाता शिव हैं, उतना ही सुंदर रहा आपका आतिथ्य सत्कार। सत्य है जगदीश्वर, आपका कथन पूर्ण रूप से सत्य है। अब आपका क्या विचार है प्रभु? विचार? कैसा विचार देव ऋषि? यही कि दक्ष प्रजापति का आतिथ्य कुछ दिन और स्वीकार करे तो कैसा रहेगा? नारद, तुम तो दक्ष प्रजापति के भ्राता होने के नाते घराती भी हो और शिव की बारात में आए हो तो बाराती भी, परंतु किसी भी बारात का तीन दिन से अधिक वधू के पिता गृह में रुकना मर्यादा के विरुद्ध है। हम इसी समय ब्रह्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वे बारात विदाई की तैयारी करें। चलो नारद। ब्रह्मदेव, आपसे अनुरोध है कि सती के पितामह होने के नाते अपनी पुत्री को जामाता शिव के साथ विदा करने का उपक्रम करें। श्री हरि, हमने आपके अनुरोध से पहले ही बारात विदाई का आदेश दे दिया है। पुत्र दक्ष, देखो अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। पिताश्री, यूं तो पुत्री सती की विदाई का पूर्ण प्रबंध किया जा चुका है, परंतु मैं स्वयं जाकर देखता हूं। श्री हरि, शिव शक्ति का यह युगल युग युगांतर तक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पुत्री सती, आज तुम पितृग्रह से इच्छित वर पाकर विदा हो रही हो। कैलाश जाकर कैसा जीवन व्यतीत करोगी, ये सोच सोच कर मेरा मन पिता होने के नाते चिंतित रहेगा। पिताश्री, आप मेरे सुखों के विषय से कभी शंकित मत होइएगा। पति के साथ रहते हुए आपको दिखाई देने वाले कष्ट मेरे लिए सुखकारी होंगे। पुत्री, तुम्हारा सुख सौभाग्य ही मेरा संतोष है। अपने स्नेह की गरिमा से अपने पति के जीवन को मंगलमय कर देना। चलो पुत्री, चलो। विदाई की वेला में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, आप पधारिए, मैं सती को लेकर आती हूँ। सदा सुखी रहो। बहन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, इसका हमें हर्ष है, किंतु तुम्हारे वियोग का दुख भी है। कैलाश जाके हमें भूल न जाना। रोहिणी, तुम तो सभी सदा मेरे मन में रहोगी। तेरे बिना ये प्रांगण बहुत सूना सूना लगेगा सती। मुमर पाके
माता सती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। माता सती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। माता सती की जय। भगवान शिव शंकर की जय। माता सती, आपका कैलाश में स्वागत है। मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न। अब हमें आज्ञा दें शिव शंकर। ब्रह्मदेव, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे गृहस्थ पद भार भी वहन करना पड़ रहा है। अब तो आप प्रसन्न हैं महेश्वर। आपने ऐसा करके संसार के लिए पति पत्नी का वो आदर्श प्रस्तुत किया है जो सृष्टि प्रसार और नर नारी संबंधी मर्यादा के लिए अति आवश्यक है। श्री हरि विष्णु, भूत, वर्तमान और भविष्य सभी निश्चित है। जो हो गया है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सभी में जगत का कल्याण ही निहित है। पिता ब्रह्मदेव की आज्ञा पालन हेतु दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव के साथ संपन्न तो कर दिया, परंतु मन सती के भविष्य की चिंता में ग्रस्त रहा। कोमलांगी पुत्री सती और अप्रिय वेशधारी शिव की जोड़ी का विचार कर दक्ष अनेक बार चिंतित हो जाते थे। सती कैलाश जाकर सुखी रहेगी। कदापि नहीं। इस राजमहल का वैभव ऐश्वर्य भ्राता दक्ष। प्रणाम देवर्षि। कैसे आगमन हुआ? बस आपके कुशल मंगल पूछने चला आया। क्या बात है भ्राता दक्ष, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। चिंतित देवर्षि? चिंता का तो कोई कारण ही नहीं है भ्राता दक्ष। एक पिता जो अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पुत्री का हाथ किसी को सौंप देता है, उसका चिंतित होना स्वाभाविक ही है। परंतु आप निश्चिंत रहें, आपकी पुत्री सती के विवाह उपरांत हिमालय पहुंचने के बाद वहां पर चारों ओर आनंद आनंद व्याप्त हो गया। क्या बात है, आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है? नहीं नहीं देवर्षि, आपकी बात पर अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर आपके मुख पर ये विषाद की रेखाएं क्यों हैं? देवर्षि, यदि मैं ये मान भी लूं कि आपका कथन सत्य है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये आनंद कितनी देर तक टिकाएगा। नारायण नारायण, मैं आपका अभिप्राय समझा नहीं। देवर्षि, विवाह के बाद कुछ दिनों तक सती अपने उस औघड़ भभूतदारी पति के साथ आनंद मनाएगी, परंतु जब कैलाश में गिरते हुए हिमकणों के थपेड़े सहेगी, तो उसे हमारे इस राजमहल में बिताए हुए सुख का स्मरण होगा और तब वो पछताएगी। यही कहना चाहते हैं ना भ्राताश्री? ये आपका भ्रम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है ये। सती तो शिव की जन्म जन्म से जीवन संगीनी है। शिव के होते हुए सती को पश्चाताप हो ही नहीं सकता। उसके जीवन में दिन प्रतिदिन सुख की वृद्धि होगी। शिव सती का साथ ही आनंद की सृष्टि करता है। नारायण नारायण, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है भ्राता श्री, जो आप मुझे रुष्ट होकर देख रहे हैं? कहीं शिव ने लिखा पढ़ाकर तो नहीं तुझे मेरे पास भेजा है? नारायण नारायण, शिव के प्रति ऐसी अपमानजनक भाषा मैं सुन नहीं सकता भ्राता श्री। मैं स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आया हूँ आपको वो शुभ संदेश सुनाने। अब मैं जा रहा हूँ। नारायण नारायण, इतनी सी बात का इतना बुरा मान के देवर्षि? हमने तो तुम्हें शिव के बारे में कुछ नहीं कहा, परंतु कहना चाहें तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। नारायण नारायण, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। भगवान शिव आपका कल्याण करे। नारायण नारायण।